सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रही हो तुम आज? अभी फिलहाल तो बर्तन समेट रही थी, आपके पास आने ही वाली थी पूछने कि खाने में क्या बनाऊं। मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी, बना लेती कुछ भी। आप बेगम साहिबा हैं, मालकिन हैं इस घर की, आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, मरियम के लिए तुम सैंडविचेस बना लो, और रात का खाना, आज से मैं रात का खाना खुद ही बनाया करूंगी। आप खुद बना लेंगी? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? बेगम साहिबा, आप बनाएंगी तो मेरा क्या होगा? साहब जी ने मुझे इसी वास्ते रखा था, मुझे तो लगता है आप मेरी छुट्टी करवा देंगी। अरे नहीं होगी तुम्हारी छुट्टी, मैं तुम्हें कोई और काम दे दूंगी। बल्कि एक काम करना, तुम कल से रशीदा के साथ सफाई में हेल्प करवाना उसके, ठीक है? और किचन में मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तो जब भी पड़ेगी मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? जाओ। भाई हमने तो सोचा था कि आज किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन आपने तो घर में इतना इंतजाम किया हुआ है। होटलिंग तो आप करते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं खुद क्यों ना आपके लिए कुछ बनाऊं। और वैसे भी मेरे हाथ की बिरयानी आप खाएंगे ना, तो सारे रेस्टोरेंट का जायका भूल जाएगा आपको। जी वो तो बिरयानी की शक्ल देख के लग रहा है कि आप बिरयानी मास्टर हैं, लेकिन फिर भी घर में मुलाजिम है, वो करेंगे, आप सिर्फ हुक्म चलाया करें। घर में करने को कुछ भी नहीं होता, मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ। और वैसे भी आप दिन में एक ही दफा तो घर में खाना खाते हैं, अब मैं वो भी आपके लिए ना बनाऊं अपने हाथों से? चलो बाबा, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो जरूर बना लिया करो, लेकिन अगर सिर्फ बोरियत फील करने के लिए बनाती हो तो इससे बेहतर है कि कोई और प्रोडक्टिव काम करो, कुछ पढ़ लो। क्या? कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लो, कोई बुटीक खोल लो, कोई पार्लर खोल लो, एनीथिंग। आइडिया तो अच्छा है, और मिशाल ने भी मुझसे ये करने के लिए कहा था, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो अब तो मैं जरूर करूंगी। मैं अगले हफ्ते से कुछ ना कुछ स्टार्ट करती हूँ। अगले हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते तो हम लोग जा रहे हैं यूरोप के टूर। आप दोनों यूरोप के टूर पे जा रहे हैं? हम दोनों नहीं, हम तीनों यूरोप के टूर पे जा रहे हैं। क्या मरियम भी हमारे साथ जाएगी? ऑफ कोर्स, कहाँ अकेला छोड़ेंगे इसको। बस आप लोग जल्दी से अपने पासपोर्ट दे मुझे, ताकि अर्जेंट वीजा अप्लाई किया जाए। डैडी वहाँ पर तो स्नोफॉल चल रही है ना? यस। मजा आएगा, हम खूब मजा करेंगे। मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को बोल दूंगी कि हम लोग यूरोप जा रहे हैं घूमने के लिए। तो उठाना बिरयानी प्लीज, मैं तो शुरू करूँ भाई, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। वाओ वाओ शगुफ्ता, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। मुझे पहले ही पता था कि सर सादिक तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। अब देखना पूरी दुनिया की सैर करोगी तुम, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। और तुम्हें पता है मिशाल, मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं इतनी खुश नहीं हूँ जितनी मरियम खुश है। मैं तो रो रही हूँ कि पहली बार उनके साथ ट्रैवल कर रही हूँ, पता नहीं वहाँ सब कुछ कैसा होगा मिशाल। अच्छा तुम्हारी डाइट कैसी चल रही है? बहुत जबरदस्त जा रही है मेरी डाइट। सादी खुद तो डाइट कॉन्शियस है और हमेशा हेल्दी खाते हैं, उनकी वजह से मेरी डाइट भी हेल्दी हो गई है। और नीचे एक जिम बनाया उन्होंने, रोजाना वहाँ पर 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं। शगुफ्ता तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी और इत्मीनान महसूस हो रहा है। और तायाजान और ताईजान भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। इतना खुश कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मैं वाकई बहुत खुश हूँ मिशाल, और ये सारी खुशी ये सब पैसे और आसाइशात की वजह से नहीं है। पैसे की कमी तो मुझे अब्बू के घर में भी नहीं थी कभी। अम्मी अब्बू हंसी खुशी मेरी हर जरूरत पूरी कर देते थे, लेकिन फिर भी अपने घर का सुकून ही कुछ अलग होता है मिशाल। और तुम्हें पता है सादिक ने पहले दिन ही पूरे घर की अथॉरिटी मुझे दे दी थी, और मरियम को तो वो अपनी बेटियों की तरह प्यार करते हैं। मैंने उन जैसा मर्द अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा।
हे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि शगुफ्ता के नसीब में सर सादिक जैसा मोहब्बत करने वाला इंसान लिख दिया। ताईजान और ताईजान कम अज़ कम अब शगुफ्ता की तरफ से बेफिक्र रहेंगे। बस अब रुहाब के मसले हल हो जाएं तो हमारी पूरी फैमिली परेशानियों से दूर हो जाएगी। डैड काश आप जिंदा होते तो आज आप ताईजान का साथ देते, उनका सहारा बनते। वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। मेरी अभी शगुफ्ता से बात हुई है, उसने मुझे बताया कि नेक्स्ट वीक वो यूरोप टूर पे जा रहे हैं, मरियम को भी साथ लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह, मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। क्या नसीब जागे हैं मेरी बेटी के। जब इम्तियाज के साथ थी तो कभी शहर से बाहर तक नहीं गई, पर अब देखो यूरोप का टूर। अल्लाह करे सारी बेटियों के नसीब ऐसे ही अच्छे हों और उन्हें सादिक जैसा अच्छा शौहर मिले। बस अब दुआ है कि रुहाब की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। ताईजान, फिलहाल आपकी सारी परेशानियां भूल जाएं। आप शगुफ्ता के बारे में सोचें, कितनी खुश है वो, कितनी खुशगवार हो गई उसकी ज़िंदगी माशाल्लाह। बुलाना तो चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, अपना पोता याद आ जाता है। पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा। कितना कहा मैंने रुहाब से कि फ़ोन पे मेरी बात ही करवा दे, उसकी आवाज़ ही सुनवा दे, लेकिन उसे तो अपनी औलाद की कोई फिक्र ही नहीं है। और यहाँ मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है ना, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। जी अम्मी, इसी संडे को जा रहे हैं। आपको यकीनन विशाल ने बताया होगा। हाँ हाँ, उसी ने तो बताया है, वरना तुम्हें तो तौफीक नहीं होती कुछ भी बताने की। जब से शादी हुई है माँ बाप को तो भूल ही गई हो तुम, कभी चक्कर भी नहीं लगाया। चलो अच्छा है, अपने घर में खुश तो हो। खुश तो बहुत हूँ अम्मी, लेकिन आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ। बस वो सादिक का मिलना जुलना बहुत है ना, तो नई नई शादी की दावतों में मसरूफ हैं हम लोग। जैसे ही फारिग होंगे मैं आपकी तरफ जरूर चक्कर लगाऊंगी, बल्कि मैं तो आप लोगों के साथ पूरा दिन गुजारूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, 100 दफा। बल्कि मैं खुद फोन करके तुम दोनों को इनवाइट करूँ। बस अम्मी आप नाराज ना हुआ करें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करें, मैं बहुत फिक्रमंद रहती हूँ आपके लिए। नहीं बेटा, नाराज नहीं हो रही, बस तुमसे गिला कर रही हूँ। लेकिन चलो अच्छा है, तुम अपने घर में खुश तो हो। बस तुम लोगों की खुशी की खातिर ही तो जिंदा है हम लोग। वैसे अम्मी वो परवीन और रुहाब का क्या बना? ताईजान आपके लिए चाय। अरे बेटा जीती रहो, मैं इस वक्त तो बहुत शदीद तलब हो रही थी चाय की। मुझे पता चल गया था। अरे कमाल हो गया, तुम्हें कैसे पता चल जाता है बेटा कि मुझे किस वक्त क्या चाहिए? डैड कहा करते थे कि जिनसे प्यार करते हैं ना उनकी दिल की बात बिना कहीं पता चल जाती है। और मैं देख लूँ ताईजान आप रुहाब की वजह से काफी फिक्रमंद हैं। ठीक कह रही हो बेटा, मसला सुलझने के बजाय उलझते ही चला जा रहा है, समझ में नहीं आता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ताईजान मैं तो यही कहूंगी कि आप रुहाब को उसके हाल पे छोड़ दें, गुजरता वक्त उसको सब समझा देगा कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे तो अब्दुल्ला और उसके आने वाले बच्चे की फिक्र खाई जा रही है, क्या मुस्तकबिल होगा उनका अगर रुहाब ने परवीन को तलाक दे दी। क्या रुहाब परवीन को डिवोर्स देने का सोच रहा है? कहा तो यही है उसने मुझे, और मैं जानता हूँ अपनी बात का पक्का है, जो कहता है वो कर भी देता है। नहीं ताईजान ये तो बहुत गलत होगा, आप सब मिलके समझाएं उसे, दबाव डालें रुहाब पर, शादी कोई मजाक का खेल नहीं है। और दूसरे बच्चे के बाद तलाक देना ये तो सरासर हिमाकत है। बेटा तुम क्यों नहीं समझाती उसे? ताईजान मैं, वो तुम्हारी बात सुनता है, मुझे यकीन है कि तुम्हारी बात जरूर माने। आप तो जानते हैं रुहाब को, वैसे तो उनको गुस्सा आता नहीं है, और जब गुस्सा आता है तो उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चलती। तुम्हारी जरूर सुनेगा वो, तुम कोशिश तो करके देखो। ताईजान सॉरी आप माइंड नहीं करिएगा, लेकिन मैं रुहाब के पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ, और रुहाब को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैंने रुहाब से बात की। ताईजान आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, रुहाब और परवीन को पहली बार थोड़ी लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई खुद ही सुलझा लेंगे। आप थोड़ी देर के लिए शगुफ्ता के बारे में क्यों नहीं सोचते, कितनी अच्छी जगह उसकी शादी हुई है,
कितनी खुश है वो अपनी जिंदगी में। इसका क्रेडिट भी तुम्हें जाता है बेटा। मैं तो तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। ओहो, आज कैसे जहमत कर लिया आपने हमारे गरीब खाने आने पर। आप जब भी आए सारा होगा, मगर ये सब कुछ इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। शौहर के पास दो दो गाड़ियां हैं, मगर हमारे किस काम की। चाहिए था ना रोहा आपको आके अपनी बीवी को डॉक्टर के यहाँ लेके जाता, मगर हमें कौन पूछता है भाई। अरे आप लोग मुझे फोन कर देते या इत्तला भिजवा देते, हम ले जाते परवीन को अपने साथ। अभी मैं जिंदा हूँ भाई साहब, मेरे होते हुए मेरी बच्ची लावारिस नहीं। आपके बेटे ने वैसे अच्छा सलूक नहीं किया है मेरी बेटी के साथ, इस हालत में उस पर हाथ उठाया है। और मर्द का औरत पे हाथ उठाना जो होता है ना, उस मर्द को मैं मर्द मानती ही नहीं। देखिए हम लोग यहाँ किसी पुरानी बहस में पढ़ने नहीं आए हैं शाकरा बहन, हम तो अपने पोते और बहू को लेने आए हैं। चलिए किसी बहाने आप लोगों ने हमारे गरीब खाने का चक्कर तो लगाया, वरना आप लोग तो रास्ता भूल गए थे। रोहाब खुद क्यों नहीं आया बीवी को मनाने। वो तो आना चाह रहा था, लेकिन हमने सोचा कि हम बड़े हैं, हम जाके खुद बात कर लेते। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, इस तरह मेरी बेटी नहीं जाएगी। जब तक आपका बेटा यहाँ नहीं आएगा, गिड़गिड़ाएगा नहीं, उसके पैर नहीं पकड़ेगा, उसे माफी नहीं मांगेगा, मैं परवीन को नहीं जाने दूंगी। अगर रुहाब नहीं आएगा मनाने के लिए तो ये यहीं पे बैठी रहेंगी। जाकर अपनी अम्मा को कुछ समझाएं। अरे सारा मसला तो अम्मा का है, ये जितनी खराफात आई बेटी के दिमाग में अम्मा ने ही डाली है। सारी जिंदगी अम्मा ने बेवकूफियों की है और जिद की इतनी पकी है कि किसी की बात नहीं सुनती। लेकिन राशिद, ये उनकी बेटी की जिंदगी का मामला है, उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम मेरी माँ को नहीं जानती, बच्चों की तरह जिद करती है और अगर किसी बात की ठान लें तो फिर वो पूरी करती है। लेकिन आप तो होश के नाखून हैं। बहन का घर एक दफा बर्बाद हो गया तो हाथ मलते रह जाएंगे। अरे मैं मामला सुलझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि दो चार रोज में रुहाब आएगा इसे मनाने के लिए। दो चार दिनों में? राशिद आप मुझे पिछले तीन हफ्तों से यही सब कुछ कह के बहला रहे हैं। क्या करूं, मेरी माँ ही ऐसी है। मेरे बाप पूरी जिंदगी अम्मा को समझाते रहे लेकिन ये नहीं समझ पाए। फिर एक वक्त आया कि अब्बा ने इनको समझाना ही छोड़ दिया। इसी गम में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। देखा कैसे डंके की चोट पे बात की है मैंने इन लोगों से, दुबक के बैठ गए दोनों। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक कह रही हो अम्मा, वाकई पहली बार आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अपना पप्पू का मिजाज देखा तुमने, आसमान पे चढ़ा हुआ था, कैसे अकड़ के बातें करती थी मुझसे। मजा आ गया वैसे, जिस तरह तुमने बात की है ना अम्मा, सब ठंडे पड़ गए, आगे से बोले ही नहीं होंगे। लेकिन अम्मा तुमने बेटे का कह दिया, बेटी हो गई तो। अरे अरे अल्लाह से माफी मांग, कैसी बदफाल मुंह से निकाल रही है। देख अच्छा सोचेगी ना तो अच्छा ही होगा। जा जाके थोड़ा सा फल फ्रूट खा ले, ऐसा इतना सा मुंह निकल आया है तेरा, चल। फिर भी अम्मा झूठ बोलते हुए कुछ तो सोच लिया करो। आपकी अम्मा अपनी बेटी को घर बिठाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। बाज़ औक़ात छोटी सी बात राई का पहाड़ बन जाती है और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। और अगर यहां तक बात आ गई तो फिर क्या करेंगे। तो मैं क्या बोलूं, वो लोग मेरी बात सुनते हैं। इन्हें लगता है कि ये लोग बार बार आएंगे इनकी शहजादी बेटी को मनाने के लिए। मुझे तो लगता है कि रुहाब इस बार कोई फैसला करके आएगा। ऐसी बददमाग औरत को कौन बर्दाश्त करेगा भला। अब वो आप लोग मेरे मना करने के बावजूद भी वहां चले गए क्यों। अरे यार हम तो तुम्हारी वजह से वहां गए थे, वहां वो तुम्हारी सास ने तो हमसे बात तक नहीं की। अजीब पागल किस्म की औरत है यार, उसे शर्म ही नहीं आती, बेटी को हमेशा उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रही। आप लोगों को वहां जाने की जरूरत क्या थी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरे यार हम तो सिर्फ इसलिए गए थे
कि हम चाहते थे कि तुम्हारा घर बसा रहे, बस। अब कहा क्या है उन्होंने? तुम्हारी सास ने शर्त रखी है कि तुम खुद वहां जाओगे, उसे मनाओगे, उसकी मिन्नतें करोगे, उसकी सारी शर्तें मानोगे, तब वो परवीन को तुम्हारे साथ भेजेगी। मैं और माफी सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैंने किया क्या है जिसकी मैं माफी मांगू उन दोनों से? तुम्हारे बेटे की माँ है, और कभी कभी इंसान को अपना घर बचाने के लिए कड़वा घूंट पीना पड़ता है। घर ऐसे नहीं बसते। नहीं अबू, रहने दें, मेरा इतना एक्सपीरियंस ही काफी है। और खुदा के लिए आज के बाद आप लोग वहां बिल्कुल मत जाइएगा। कमाल है वैसे, अम्मी अबू की इतनी मिन्नतें करने के बावजूद भी मुमानी जान ने परवीन को उनके साथ नहीं भेजा। बहुत अपसेट थे बेचारे, और ज्यादा फिक्र तो उन्हें अब्दुल्ला की थी। बच्चा बेचारा तो अमीर उल गया सब में। ये शाकरा आंटी जैसी औरतें होती हैं जो अपनी बेटियों का बसा बसाया घर खराब कर देती हैं। तो परवीन कौन सी कोई कम है अपनी माँ से? कौन सी उसे परवाह अपने घर की है बच्चे की? पता नहीं कैसी माएं होती हैं जिनको अपने बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं है। अब रियलाइज होता है मुझे कि ठीक नहीं हुआ मेरे भाई के साथ, कोई मैच नहीं उसका परवीन का। खैर, मैच तो तुम्हारा और मेरा भी कोई नहीं, लेकिन देख लो आज भी हम दोनों साथ हैं। वैसे जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है ना मिशाल, इंसान सोचता कुछ और होता कुछ और ही है ना? जब वो लेने आए थे तो फिर इतने नखरे दिखाने की क्या जरूरत थी, इतनी शिकायत रखने की क्या जरूरत थी? अच्छा बस, अपनी बेटी का अच्छा बुरा मैं खुद समझती हूँ, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ क्या अच्छा है और क्या बुरा है। काश आप जानती होती। अगर आप जानती होती तो फिर ना तो मेरा घर बर्बाद होता और ना परवीन यहां बैठी होती, अब्बा भी जिंदा होते। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने बाप की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो? इस घर में जितने भी मसाइल हुए हैं सब बाप की वजह से हुए हैं। कम से कम फूफा का तो लिहाज कर लेती, घर आए हुए मेहमान के साथ कोई इस तरह नहीं करता। मैंने जो कुछ किया ना बहुत अच्छा किया है। वो लोग मुंह के मीठे हैं, उनके अंदर क्या है वो तुम अच्छी तरह नहीं जानते, मैं जानती हूँ। बस अब मैंने सोच लिया है कि कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। अब जब तक रुहाब आके फैसला नहीं करता मैं परवीन को नहीं भेजने वाली। फैसला? कैसा फैसला? मैं कुछ जायदाद परवीन और उसके बेटे के नाम करवाना चाहती हूँ। मेरे मुतालबात मानते हैं तो ठीक, वरना। कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हैं आप? मैंने आपको पहले भी समझाया था ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मैंने अगर बेवकूफी की है तो तुमने कौन सी अकलमंदी का काम किया? क्या जरूरत थी इस औरत से दुकान का मुतालबा करने की? देखिए इस वक्त बात परवीन की हो रही है, आप आरफा को बीच में मत लेके आइए। आपने उसको साथ ना भेज के बहुत बड़ी हमाकत की है। अच्छा मुझे बताए, अगर वहां उसे लेने ना आया तो क्या करेंगी आप? क्या सारी जिंदगी परवीन को यहाँ बिठा कर रखेंगी? कैसे नहीं आएगा लेने? अरे तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। मुझे उसके यहाँ आने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे, वो बच्चे को देखने भी नहीं आया। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे सर पे खर्चे नहीं पड़ेंगे। रुहाब खर्चा भेजेगा बच्चों का, और अगर मुनासिब हुआ तो मैं और मेरी बेटी को एक किराए का घर भी देख लेंगे। तुम ना परेशान हो। नहीं, आपने फैसला कर लिया कि आप सिर्फ अपनी जिद पे अड़ी रहेंगी और अपनी जिद को मनवाएंगी, चाहे उसके लिए आपको अपनी बेटी का घर बर्बाद करना पड़े। हाँ ऐसे ही समझ लो। अच्छा हुआ जो आज हमने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, वरना इतनी बड़ी खबर हमें कैसे पता चलती। कितने खुश लग रहे हैं आप, आज से पहले मैंने आपको इतना खुश नहीं देखा। अपने बेटे की पैदाइश पे मैं क्यों नहीं खुश हूं, मैं बाप बनने जा रहा हूं। तुम्हें पता आरफा के मेरा कितना अरमान था कि अल्लाह मुझे बेटा दे, मैं तो सुबह होते ही सदका दूंगा। सबसे पहले सुबह सदका ही देना है, और खुदा के वास्ते अपनी अम्मा को ये खबर ना दीजिएगा। अरे अम्मा को बताना तो पड़ेगा ना, अगर नहीं बताया तो और कहीं और से उनको मालूम हो तो नाराज होंगी वो। नाराज होती है तो हो जाए, मैं तो कहती हूँ अभी किसी को भी खबर ना दें, नजर लग जाती है खामखा। खुदा का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझ पे बड़ा करम किया, उसका जितना शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। वैसे थोड़ा शुक्रिया तो आपको मेरा भी अदा करना चाहिए, इतनी बड़ी खुशी जो दे रही हूँ आपको। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ आरफा, तुमने हर बुरे वक्त मेरा साथ दिया, मेरी सपोर्ट की।
तुम एक मिसाली बीवी हो। अच्छा बताओ कि तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? आपकी मोहब्बत, वफा और आप। वो तो मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना खुश हूं। ये खबर सुनने के लिए मैंने कितनी मन्नतें मांगी थी, कितनी दुआएं की थी, आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मुझे ऐसे लगता है कि सब कुछ मिल गया, मुझे मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो ये बात है, तभी दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे, आते ही कमरे में घुस गए। भाई ये खबर तो सबसे पहले मुझे सुनानी चाहिए थी ना। बताएंगे भी नहीं अम्मा, तुम किन ख्वाबों में हो। वो कह रही थी, भाई से कह रही थी कि तुम्हारी माँ मुझसे जलती है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नजर लगा देगी। लो ये क्या बेवकूफी की बात की, ये मैं क्यों हसद करने लगी अपनी औलाद से। अरे पोते को खिलाने का कितना अरमान है मुझे। रहने दो अम्मा, वैसे ये बच्चा ना ही हो तो बेहतर है, अभी वो इतना करती फिरती है, गर्दन में उसके सरिया है। बच्चा हो गया और बेटा हो गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। भाई तो हत्ते से उकड़ जाएगा, पाँव में बैठ जाएगा, पाँव धो धो के पिएगा। अरे भाई कितनी देर है खाने में? बस आईजान थोड़ी देर में रेडी हो रहा है। लगता है आज कुछ खास एहतमाम हो रहा है जो इतनी सारी डिशेस बन रही है। जी एक्चुअली मैं रो आपके घर खाना भेज रही हूँ। क्या जरूरत है बेटा, तुम पहले ही इतनी मसरूफ रहती हो, अब ये खामखा की जिम्मेदारियां क्यों पाल रही हो? रुहाब तो वैसे भी हॉस्पिटल में लंच करता है और डिनर पकाने के लिए तो उसने एक मुलाजमा रखी हुई है। परवीन जब थी तो वैसे भी वो खाना नहीं बनाती थी, उसे तो एक ग्लास उठा के इधर से उधर रखने की आदत नहीं थी, बल्कि परवीन के होते हुए भी मुलाजमा ही खाना तैयार करती थी। ताईजन आप रुहाब के लिए कितनी परेशान थी ना, कि उसे ढंग का खाना मिलता भी होगा कि नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि हफ्ते भर का खाना बना के भिजवा दूँ। शाबाश मिशाल बेटा, बहुत अच्छी बात है, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, लेकिन इंसान को अपने लिए भी तो वक्त निकालना चाहिए ना। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है तो मुझे तुमसे एक बहुत अहम मसले पर बात करनी है। ताईजान आपके लिए तो वक्त ही वक्त है। अच्छा इधर आओ। बेटा तुम लोगों की शादी को खैर से 6 माह गुजर गए, लेकिन मुझे कोई तब्दीली के आसार नजर नहीं आ रहे। ताईजान मैंने तो बहुत कोशिश की है, लेकिन रुदाब वो तो अपनी माजी से निकलना ही नहीं चाहते, और आप तो जानती हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। मैंने लाख कोशिश की है लेकिन वो आप ही को दिल से नहीं बुला पा रहे। एक तरफ आप ही की याद और दूसरी तरफ उनको ये डर लगा रहता है कि मेरा और रुहाब के बीच में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। पता नहीं क्या चाहता है लड़का। मैं तो समझती थी कि वक्त के साथ साथ तुम दोनों एक दूसरे को कबूल कर लोगे, लेकिन मेरा ये ख्याल गलत साबित हो रहा है। रुदाब बहुत ही जज्बाती और माजी परस्त इंसान है, और आजकल तो वो बहुत ही पजेसिव हो गए, हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, इनसिक्योर से रहते हैं, बस मेरे और रुहाब का ख्याल ही उनके दिमाग में रहता है। असल में बेटा उसने बहुत दुख सहे हैं, तुम्हें उसका ख्याल रखना है, उसका दिल जीतना है। मुझे यकीन है बेटा कि तुम उसका एतबार जीत लोगी। मालूम था, अरे मुझे मालूम था कि वो बदजात यही करेगा। तेरे भाई को बड़ा मान था ना,
देख लिया उसका असल चेहरा? मुझे आप क्या कह रही? मैंने आपसे कहा किसका घर छुड़ा के इसको यहाँ पे बिठा दे। चुप कर बेगैरत। तेरी जगह कोई गैरतमंद भाई होता ना, जाके गिरेबान पकड़ता उसका, और तू तू यहाँ बैठा हुआ औरतों की तरह हमें ताने दे रहा है। लड़ाई झगड़ा आप लोग करें और सुलझाऊं मैं। इनफ रोहाब, तुम्हारे जो दिल में आ रहे तुम बोले जा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि तुम्हारे लिए खाना भिजवा दिया। एक बार कान खोल कर सुन लो रोहाब, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और जो बची कुची इज्जत थी वो इन फजूल बातों की वजह से ख़त्म हो गई है। तुम्हारे और मेरे रास्ते उसी दिन अलग हो गए थे जब तुमने मुझ पर ट्रस्ट ना करके मेरा साथ छोड़ दिया था। प्लीज़ अब मुझसे किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मैंने आपको पहले ही मना किया था ये सब कुछ ना करें, लेकिन आप मेरी सुनती कहाँ हैं? रोहाब जैसा शोहर मिलने पर इसको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने पटियां पढ़ा पढ़ा कर इसका दिमाग खराब कर दिया। तू तो चुप कर जा। अच्छा बेगैरत कहीं का, बजाय कि हमें तसल्ली दे यहाँ बैठ के हम लोगों को ताने दे रहा है। ताने नहीं दे रहा मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, और मुझे रोहाब के कुछ तेवर ठीक नहीं लग रहे। मैं उसकी बातें सुनकर तशवीश में आ गया हूँ। वो भी आपकी तरह जिद का पक्का है, जो कहता है वो करता है। अरे खुदा समझे उस मनहूस के बच्चे को, मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया। एक दिन सुकून का ससुराल में नहीं गुजारा है इसने। बहुत खुश हो रहे होंगे ये घर छोड़ के आइए ना, बल्कि वहां तो दूसरी शादी की तैयारियां हो रही होंगी। लेकिन अल्लाह ने इंसान को अकल दी है ताकि वो उसको इस्तेमाल करे, और जो अपने शौहरों की परवाह नहीं करती ना, उनका यही अंजाम होता है। तू तो यहां से चला जा, नहीं चाहिए तेरी हमदर्दियां। जब देखो हमारे साथ उल्टी सीधी बातें करता रहता है, उन्हीं की फेवर करता रहता है, चल निकल यहां से। आपको समझा रहा हूं, अब तो पानी सर से मुझे चला गया, अब तो अकल कर ले। मैं कोई इसका दुश्मन नहीं हूं, इसकी भले की बात कर रहा हूं। जैसी आपकी बेटी है ना, वैसी ये मेरी भी बहन है। इसलिए आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि इसके घर बिगाड़ने की कोशिश मत करें। अच्छा तो मैं बिगाड़ रही हूं इसका घर? दुश्मन हूं क्या मैं इसकी? आप जैसी माएं ही दुश्मन होती हैं अपनी बेटियों की। तू चुप कर जा, चुप कर जा। बेगैरत नहीं तो क्यों बूढ़ी मां की बद्दुआएं ले रहा है? चल निकल यहां से। आइए। अम्मा से जूतियां खाकर आ गए। वैसे आपकी बहन की अकड़ निकल गई है सारी। कैसे इतराती फिरती थी ना अपने मियाँ की दौलत पर और स्टेटस पर। और रोहाब को देखो, उसे तो अपने बीवी और बच्चे की कोई परवाह ही नहीं है। आया 20,000 रुपए उसके मुंह पर मारे और चला गया। मुझे तो आपकी अम्मा की भी समझ नहीं आती, बड़ी ही बेवकूफ और जाहिल औरत है। मतलब लोग अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि ससुराल में कैसे बसना होता है, पर आपकी अम्मा ने तो जैसे पट्टियां पढ़ाने में PhD कर रखी है। हुआ ना गरूर का सर नीचा। अब पता लगेगा उसे जब तलाक लेकर यहां आकर बैठ जाएगी। मैंने भी उसका जीना हराम ना किया तो मेरा नाम भी आरफा नहीं। बड़ी महारानी बनी फिरती थी ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और वो जो किराए का मकान लिया था उस पर तो ऐसे इतराती थी जैसे 3-4 करोड़ का बंगला शौहर ने उसके नाम ही कर दिया हो। पहले मैं सोच रही थी कि इन दोनों माँ बेटियों को यहां पर रहने ना, पर फिर सोच रही हूं कि इन दोनों की बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों के सामने ही देख। कितना मजा आए जब रोहाब तलाक के कागजात लाकर परवीन के मुंह पर मारेगा। सारी अक्कड़ निकल जाएगी इसकी, फिर पड़ी रहेंगी दोनों माँ बेटियां यहां पर सोग मनाने के लिए। मेरा एक मैसेज दे दीजिएगा दोनों को, मेरे साथ जबान दराजी बिल्कुल मत करें,
वरना ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेंगी दोनों। हाँ भाई, हो गई पैकिंग? जी ऑलमोस्ट हो गई कंप्लीट। मैंने अपने और फातिमा के सारे कपड़े रखे। क्या मतलब फातिमा के कपड़े? फातिमा हमारे साथ जाके क्या करेगी भाई? ये क्या सवाल हुआ रुदाब? जाहिर सी बात है हमारे साथ जाएगी, अभी वो बहुत छोटी है, मैं उसको यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी। शौहर हूँ मैं तुम्हारा, और मुझे भी जनाब की टेंशन की जरूरत है। बाय रुदाब, आपको छोटे बच्चे थोड़ी है, आपको फातिमा का क्या कंपैरिजन? उसकी अपनी जगह है और आपकी अपनी। अच्छा जी, वैसे ये जगह है कहाँ पे? नजर नहीं आती मुझे, मुझे भी दिखा दो। मेरे दिल में। फातिमा की बात कर रही हूँ। अय अल्लाह, क्या होगा मेरी बच्ची का अगर उस मर्दूद ने तलाक दे दी तो, और मैं मर गई तो कहाँ जाएगी? क्यों अम्मा, मैं भी जिंदा हूँ। तुम तो चुप रहो बेगैरत, तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम जाओ, जाके अपनी बीवी के पैर दबाओ। आप इसकी फिक्र में क्यों अलकान हो रही हैं? मिल जाएगा इसे कोई और दूसरा बेवकूफ, जैसे इसने फूफो को फंसाया था, फिर किसी दूसरे को फंसा लेगी। बदतमीज, शर्म नहीं आती अपनी बहन के बारे में इस तरह की बात करते हुए? अगर बहन ऐसी होगी तो फिर ऐसा कहते हुए कोई शर्म नहीं आती। अरे कुछ हया कर, एक ही बहन है तेरी, और इसने तुझसे मांगा क्या है? अपना खर्चा तक तो ये खुद उठाती है। तुझसे तो इतना नहीं हुआ बेशरम कहीं के कि जाके फूफा फूफी से इस मसले पे कोई बात कर ले? आया बड़ा यहाँ। आप मुझे इस मसले से दूरी रखें और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मिशाल मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम दोनों की मोहब्बत को इसी तरह कायम और दायम रखे। हाँ शगुफ्ता, तुम ठीक कह रही हो। हम क्या सोचते हैं लेकिन अल्लाह ताला की कुछ और ही प्लानिंग होती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रुदाब मेरी किस्मत में होंगे। देखो शादी भी हो गई उनसे और अब तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारी। तुम्हें पता है जब अम्मी ने मुझे बताया ना कि तुम लोग आज मलेशिया जा रहे हो, तो मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं भागती हुई आ गई तुम्हारे पास। वैसे प्लान अचानक कैसे बना? मैं तुम्हें सब बता दूंगी, पहले तुम मुझे बताओ तुम्हारा हनीमून कैसा रहा, कैसा लगा तुम्हें यूरोप? इतना खूबसूरत है यूरोप कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे तो ऐसे लग रहा था मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। हाँ, और तुम्हें पता है उसके बाद के जो मिसहैप्स थे? हाँ, तुम्हारा सामान गुम गया था। फिर क्या, बोर्डिंग भी डिनाय हो गई थी। शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया तुमने, सारे का सारा जेवर अपने साथ ले गया। मैंने ही मशवरा दिया था कि अब तक सारा जेवर समेट के यहाँ ले आओ, वरना तो पता नहीं वो जेवर भी खा जाते कम वक्त। एक काम करो, अब ये जेवर जो है ना फटाफट लाकर में जमा करवाओ, घर में इतनी कीमती चीजें नहीं रख सकते। करता हूँ कुछ। मैंने ही मशवरा दिया था कि अब तक सारा जेवर समेट के यहाँ ले आओ, वरना तो पता नहीं वो जेवर भी खा जाते कम वक्त। एक काम करो, अब ये जेवर जो है ना फटाफट लाकर में जमा करवाओ, घर में इतनी कीमती चीजें नहीं रख सकते। करता हूँ कुछ। चालीस लाख का जेवर मेरे घर में पड़ा हुआ है और मेरे फरिश्तों को कोई खबर ही नहीं। इससे पहले कि ये जेवर बैंक में जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हेलो, हाँ माँ, बुढ़िया के बेड के नीचे बक्सा पड़ा हुआ जिसमें सारा जेवर और कैश है। 40 लाख का जेवर है और पता नहीं कितना कैश रखा हुआ है इन्होंने। नहीं, वो 5 लाख तो अकाउंट में पड़े हुए हैं। अरे वो रुहाब भी कुछ कैश लेकर गया था। हाँ अच्छा माँ, ये काम ना आज के आज ही हो जाना चाहिए। अब्बा को कहें फौरन करेंगे काम।
ओहो, अभी पड़ा हुआ ये उठा के बैंक में जमा करा देंगे सारा कैश। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप खाला के बेटे अनवर को फोन करें, वो तो ऐसी वारदातें करने का माहिर है। बल्कि आप छोड़े, मैं खुद फोन करूंगी। ओहो, इसकी परवाह आप मत करें, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कानों कान खबर भी नहीं होगी कि वारदात किसने की। हम पे शक बिल्कुल नहीं जाएगा। अच्छा सुने, मैं फोन रखती हूँ, ठीक है, बाद में बात करती हूँ।